खेसारी और पवन सिंह विवाद के बाद सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया स्टार। तो भोजपुरिया स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि भोजपुरिया स्टार को आप पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं जिससे जो हमारे सिंगर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जो हमारे डांसर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अब काफ़ी लोग हमारे भाई लोग हैं, इनके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा खेसारी लाल यादव ने कमाया, और काफ़ी लोग के मन में ये भी चल रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो पवन सिंह ने कमाया। आपके मन में क्या क्या राय चल रहा है आप 100% आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया है। आए दिन खेसारी लाल यादव का देखा जाए तो काफ़ी वीडियो मार्केट में ट्रेंडिंग किया है। आए दिन उनका कोई ना कोई गाना रिलीज होता रहता है और वो गाना मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ ट्रेंडिंग करता है। तो बेशक आप समझ सकते हैं, उसके साथ साथ देखा जाए तो पवन सिंह का भी आए दिन कुछ गाना आया था जो कि मार्केट में बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग किया था। लेकिन एक्चुअली में सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव ने एक महीने में लगातार उन्होंने 20 गाना फाइटिंग कर चुके हैं मार्केट में। 20 गाना में से उनका एक गाना है जो कि फ्लॉप जा चुका है और बाकी के 19 गाना तेज़ी से ट्रेंडिंग किया है और बहुत तेज से मार्केट में रन किया है। अब 20 गाना इन्होंने रिलीज किया है, 20 गाने का फीस अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपये के करीब खेसारी लाल यादव का पहुँचता है। वहीं पे जो पवन सिंह ने 5 से 6 गाना इन्होंने रिलीज किया है और 5 से 6 गाने का अगर प्राइस देखा जाए तो बहुत कम बैठता है, क्योंकि एक गाने का मिनिमम 4 से 5 लाख खेसारी लेते हैं और 5 से 5.5 लाख रुपया पवन सिंह लेते हैं। तो बेशक आपके समझ में आ चुका है कि वाकई में सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया। अगर रियल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा खेसारी लाल यादव ने कमाया, क्योंकि इन्होंने लगातार 20 गाना मार्केट में डाले और 20 गाना बहुत तेज़ी के साथ ट्रेंडिंग में चला और उसके साथ साथ इनको जितने भी कंपनियां ने इनको एग्रीमेंट किया था, उनको पेमेंट दिया था, उसी के अनुसार इनका गाना बहुत तेज़ी से मार्केट में ट्रेंड किया। और पवन सिंह का 4 से 6 गाना ही टोटल आया था जो कि वो भी गाना मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ ट्रेंडिंग किया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब भी कोई भी कंपनी किसी कलाकार को एग्रीमेंट करवा लेती तो उसका फीस चार्ज ही देती है, बेशक उस गाने से जितनी कमाई होती है वो कंपनी अपना खुद रखती है। इसी प्रकार से खेसारी लाल यादव को जितना फीस मिला है उस फीस का हम कैलकुलेशन करते हैं, बाकी जो गाने की कमाई हुई उसका हकदार जो होते हैं वो कंपनी होते, वो कंपनी के पास पैसा जाता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के विवाद के बाद अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पैसा कमाया तो खेसारी लाल यादव ने कमाया। करीब अगर एग्जाम्पल के अनुसार अगर देखा जाए तो 1 करोड़ क्रॉस करके इन्होंने कमाया है। वहीं पर अगर पवन सिंह की बात की जाए तो 50 लाख में ही सिमट गए थे, क्योंकि उसके बाद इन्होंने अगर देखा जाए तो गाना मार्केट में रिलीज़ नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए तो पिछले जो उनकी पति पत्नी की झगड़ा हुआ था, तलाक जो चल रहा था, इसी मैटर में ये ज़्यादा उलझे थे और इसी की वजह से उन्होंने मार्केट में कोई गाना दे नहीं पाए और काफ़ी रिस्पॉन्स नहीं ले पाए मार्केट से। इसी का फ़ायदा उठाकर खेसारी लाल यादव ने लगातार काफ़ी गाने मार्केट में ट्रेंड किए और उसका बेनिफिट भी इनको बहुत ज़्यादा मिल चुका है। बेशक आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन चल रहा है भोजपुरी से लेटेस्ट, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट यूनिक होगा तो अगला वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा। अगर आपका कमेंट यूनिक नहीं होगा तो रिप्लाई आपको 100% दे दी जाएगी। तो बेशक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।